बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल फिट होंगे, मज़े से होंगे। और मेरी तरफ़ से बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ मुख्तलिफ स्क्रब और मास्क के बारे में, जो मैंने ज़ाती तौर पर मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर आप लोग की स्किन ऑयली है या आप लोग जो है अच्छे एक्सफोलिएटिंग स्क्रब के लिए या पील ऑफ मास्क अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हॉलीवुड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये क्ले मास्क यूज़ करती हूँ, हॉलीवुड का बहुत ज़बरदस्त मास्क है। अक्सर पार्लर्स में जो है ये यूज़ होते हैं, तो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसका जो इसमें जो इसकी खूबियाँ हैं वो जो एंटी एजिंग जो पोर्स होते हैं ना, टेक्सचर को भी ये करता है, पोर्स को ये मिनिमाइज़ करता है। अगर किसी को स्किन के ऊपर पोर्स हैं तो ये उसकी जो दिखता है आप लोगों को जो ओपन होते हैं उनको काफ़ी हद तक ये कम करता है। ट्राई कीजिए इसको। 420 का ये आपको मिलेगा, बट इट्स वेरी गुड। काफ़ी बड़ा जार है ये, और ML में चेक कर लेती हूँ कि इसमें 320 ग्राम है ये। ठीक है, 320 ग्राम है ये, और इसका मैं अंदर से भी आप लोगों को इसको मैं दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है ये देखिए, क्ले मास्क है, तो ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको हाथ के ऊपर। इसी तरह से ब्रश के जो है मदद से, ब्रश की मदद से आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्किन को पहले आपने अच्छी तरह से फेस वॉश के साथ साफ करके, और उसके बाद आपने अगर कोई टोनर या क्लेंजर आप यूज़ करते हैं, टोनर बेस्ट होगा। टोनर यूज़ करने के बाद आप इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएं। हफ्ते में दो दफ़ा लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये जो है ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। तो ट्राई कीजिए हॉलीवुड का मिनरल क्ले मास्क, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी मैं आपको चीज़ जो बताना चाह रही हूँ हॉलीवुड की ही है, ये पील ऑफ मास्क है। इसका जो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, पपाया क्यूकम्बर एंड रैप्स, इट स्मेल्स अमेजिंग और गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। देखें, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ठीक है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, सेम वहीं जो है जिसका अंदर का जो है ना इस तरह की ग्रीन, इसकी ये देखिए, सॉरी, ग्रीन इसका जो है इस तरह से स्टिकी स्टिकी सा इसका टेक्सचर है। इसको भी आप इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको छोड़ेंगे। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा ड्राई, तो आप इसको जिस तरह से नॉर्मल आप पील ऑफ मास्क को रिमूव करते हैं, उसी तरह से आप इसको नॉर्मल पील कीजिए, और मज़ेदार सी आपकी स्किन हो जाएगी। प्लस इसके ब्लैक हेड्स जिनको है, वो ब्लैक हेड्स भी इसके साथ पील ऑफ मास्क के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये पील ऑफ मास्क हॉलीवुड का। ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। स्क्रब, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी भी जो खुशबू है, इट स्मेल्स अमेजिंग। इसके अंदर लार्ज स्क्रबर्स हैं, छोटे छोटे जो हैं स्ट्रॉबेरी के, आपको लगेगा कि इसके जो स्ट्रॉबेरीज के स्क्रबर्स हैं इसमें यूज़ होते हैं। ये देखिए, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
इसके अंदर स्क्रबर्स हैं छोटे छोटे, और ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। तकरीबन 15 मिनट्स तक अगर आप इसको फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिज़ल्ट। आई होप के आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये स्क्रब, ये पील ऑफ स्क्रब है, ये पील ऑफ मास्क है, और ये क्ले मास्क, ज़बरदस्त है, ट्राई कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।